बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्क्विंट स्ट्रैबिस्मस को पढ़ने वाले हैं। स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों आइज़ के विजुअल एक्सिस आपस में अलाइन नहीं कर पाते, मिस अलाइनमेंट होती है जिसके वजह से डिप्लोपिया होता है। स्क्विंट को तीन में डिवाइड करते हैं, अपेरेंट स्क्विंट या सूडो स्क्विंट जिसमें एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट खराब नहीं होती लेकिन आपको स्क्विंट का इम्प्रेशन देखने को मिलता है। दूसरा लैटेंट स्क्विंट जिसको हिट्रोफोरिया कहते हैं। इसके बाद मैनिफेस्ट स्क्विंट जिसको हिट्रोट्रोपिया कहते हैं। अपेरेंट स्क्विंट को सूडो स्क्विंट भी कहते हैं। ये एपिकेंथल फोल्ड या इंक्रीज सेपरेशन ऑफ टू आइज में देखने को मिलता है, जबकि लैटेंट स्क्विंट को हिट्रोफोरिया कहते हैं। इसको मजीद दो में डिवाइड करते हैं, ईसोफोरिया एक्सोफोरिया। ईसोफोरिया हाइपरमेट्रोपिया में देखने को मिलता है, एक्सोफोरिया मायोपिया में देखने को मिलता है जिसको नियर साइटेंडस भी कहते हैं। मैनिफेस्ट स्क्विंट को हिटरोट्रोपिया भी कहते हैं। इसकी दो टाइप्स होती है, क्लिनिकल और इटियोलॉजिकल। क्लिनिकली हम इसको छः में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ गेज। लाइक ईसोट्रोपिया के अंदर कन्वर्जेंट स्क्विंट होता है, दोनों आइज ओके मीडियली या टूवर्ड्स मूव करती है। डाइवर्जेंट के अंदर दोनों आइज अवे मूव करती है, एक्सोट्रोपिया में देखने को मिलता है। हाइपरट्रोपिया के अंदर अपवर्ड डेविएशन होती है, हाइपो के अंदर डाउनवर्ड डेविएशन होती है। इन साइक्लोट्रोपिया के अंदर नेजल डेविएशन होती है, एक्स साइक्लोट्रोपिया के अंदर टेम्पोरल डेविएशन होती है। अब लास्ट जो टाइप है, सॉरी हिटरोट्रोपिया या मैनिफेस्ट स्क्विंट की जो लास्ट टाइप है सही है, इटियोलॉजिकल टाइप। इटियोलॉजिकल की बेस पर हम इसको दो में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्रैनियल नर्व पैरालिसिस, नॉन पैरालिटिक पैरालिटिक। नॉन पैरालिटिक को कॉमिटेंट स्क्विंट भी कहते हैं, ओके इसको नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेन करेंगे, जबकि पैरालिटिक स्क्विंट को नॉन कॉमिटेंट स्क्विंट कहते हैं। यानी यहाँ पर जो स्क्विंट होगा डायरेक्शन ऑफ गेज पर आपको चेंज देखने को मिलता है। ये थर्ड फोर्थ और सिक्स क्रेनियल नर्व पाल्सी में देखने को मिलेगा। थर्ड नर्व पाल्सी को मजीद पांच में डिवाइड करते हैं, पार्शल कंप्लीट प्यूपल इन्वॉल्विंग प्यूपल स्पेरिंग और डिविजनल। जो पार्शल होती है इसमें डिप्लोपिया पार्शल टोसिस देखने को मिलता है, जबकि कंप्लीट के अंदर कोई डिप्लोपिया नहीं होता लेकिन टोसिस कंप्लीट होती है और दोनों के अंदर प्यूपल डायलेटेड होता है, लाइट को रिएक्ट नहीं करता। जबकि प्यूपल इन्वॉल्विंग थर्ड नर्व पाल्सी ये आपको एनरिज्म या अंकल हर्निएशन में देखने को मिलती है, जबकि प्यूपल स्पेरिंग ये आपको सिस्टेमिक डिजीज में देखने को मिलती है लाइक हाइपरटेंशन डायबिटीज़। जबकि डिविजनल थर्ड नर्व पाल्सी ये आपको कैवर्नस साइनस ट्यूमर में देखने को मिलती है। लास्ट है पैरालिटिक नॉन कॉमिटेंट स्क्विंट। तो ये आपको अच्छा पैरालिसिस तो पढ़ रहे थे तो थर्ड हो गया, फोर्थ और फिफ्थ की बारी है। फोर्थ और फिफ्थ में जो इटियालॉजी है वो सिस्टेमिक डिजीज़ है लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस हाइपरटेंशन, जबकि फोर्थ के अंदर ट्रोमेटिक इंजरी एनरिज्म, जबकि सिक्स के अंदर जॉइंट सेल आर्टराइटिस मेनिनजियोमा इंक्रीज आईसीपी आ जाएगा। ओके इसके बाद हमारा है नॉन पैरालिटिक या कॉमिटेंट स्क्विंट। ओके इसमें डायरेक्शन ऑफ गेज से स्क्विंट चेंज नहीं होता। इसकी कॉमन टाइप और इटियालॉजी को पढ़ना है। ओके तो इटियालॉजी में हाइपरमेट्रोपिया जिसमें कन्वर्जेंट स्क्विंट होता है, डाइवर्जेंट स्क्विंट मायोपिया में होता है, हेरिडेटरी हो सकता है, सेंट्रल कॉर्नियल ओपेसिटी में देखने को मिलता है, कॉन्जेनिटल कैटारेक्ट है, रेटिनोब्लास्टोमा, मैक्युलर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, हाइपर एंड हाइपो रिएक्टिविटी ऑफ कन्वर्जेंस एंड द डाइवर्जेंस सेंटर। ओके ठीक हो गया। इसके अलावा हमारा हो सकता है डिफेक्टिव फ्यूजन मैकेनिज्म। ओके और लास्ट है डिक्रीज ओके अकोमोडेशन पावर। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं कॉमन टाइप्स की तरफ। तो कॉमन टाइप्स में ईसोट्रोपी और एक्सोट्रोपिया। ईसोट्रोपिया को कन्वर्जेंट और एक्सो को डाइवर्जेंट कहते हैं। ओके डाइवर्जेंट का मतलब है अगेंस्ट द डायरेक्शन, ओके यानी अवे द मूव करती है आई बाल। अब इसको मजीद चार में डिवाइड करती है, ओके कंजेनिटल इंटरमिटेंट कॉन्स्टेंट और सेकेंडरी। कंजेनिटल में एंगल डेविएशन और अल्टरनेट फिक्सेशन देखने को मिलती है। इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया के अंदर आई फटीग और फोटोफोबिया होता है। कॉन्स्टेंट एक्सोट्रोपिया के अंदर डिकम्पनसेशन होती है, जबकि सेकेंडरी वाला वो किसी ओकुलर डिजीज की वजह से हो सकता है। जबकि हमारा ईसोट्रोपिया है इसको मजीद दो में डिवाइड करते हैं, कॉन्जेनिटल एक्वाइड। जो एक्वाइड वाला उसको एकोमोडेटिव भी कहते हैं, इसको मजीद तीन में डिवाइड करते हैं, रिफ्रैक्टिव नॉन रिफ्रैक्टिव और मिक्सड। जबकि रिफ्रैक्टिव को मजीद दो में डिवाइड करते हैं, कंप्लीट और पार्शल। तो इस तरह से हमने स्क्विंट के फ्लो चार्ट को कवर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।